तो गाइज क्या होगा अगर हाइड्रोलिक प्रेस में स्पाइक शूज को लगाकर उसके नीचे इंडिया में बने वॉलीबॉल और पाकिस्तान में बने वॉलीबॉल को दबाया जाए, तो चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन जिन इंडियंस को ये पूरा विश्वास है कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉम्पिटिशन में तो इंडिया ऐसे ही जीत जाएगा, तो वो लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में इंडिया लिख दो। तो गाइज जब इस हाइड्रोलिक प्रेस और इस स्पाइक शूज से करीब 7 से 8 क्विंटल का वजन इंडिया वाले वॉलीबॉल के ऊपर डाला गया तब तो ये कुछ सेकंड्स में ही ब्लास्ट होकर वहां से गायब हो गया। पर जब हम उसी कंडीशन के अंदर इस पाकिस्तान वाले वॉलीबॉल को दबाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हाइड्रोलिक तो इसे एकदम फाड़ के रख देता है, यानी कि आखिरकार फिर से जीता तो पाकिस्तान का बाप यानी कि इंडिया ही।